हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ 12th बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ली। यूनिट वन इंट्रोडक्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर टू, रियल इकोनॉमिक्स एंड आइडियल इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट द लिमिटेशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट द मेन फीचर ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट द एजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये यूनिट वन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, व्हाट इज द बजट लाइन, बजट लाइन क्या होते हैं, इन डिफरेंस कर्व क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी को आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एग्जाम्पल एंड डायग्राम, राइट द एजम्पशन ऑफ इन डिफरेंस कर्व एनालाइजिंग, एक्सप्लेन इलस्ट्रक्शन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिफरेंस बिटवीन बजट ग्रुप्स एंड बजट लाइन, व्हाट इज द मार्केट डिमांड फंक्शन, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डेराइव डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड, ग्रिपिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिस्प्लेसमेंट ऑफ गुड्स से आप क्या समझते हैं, अफेक्टिंग डिमांड, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड्स, एक्सप्लेन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिमांड आर देयर, राइट द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, उसके बाद राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट इज द डिमांड कर्व स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट, प्राइसिंग अंडर मार्केट फ्रॉम एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन, राइट द डेफिनेशन ऑफ मार्केट परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय लोकल मार्केट, 3 एग्जाम्पल, लोकल मार्केट एंड नेशनल मार्केट, डिफाइन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट, मेंशन एनी 5 फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट, व्हाट इज द मेंट बाय मार्केट एंड विच कंपोनेंट आर नेसेसरी फॉर द मार्केट, उसके बाद व्हाट आर द ट्रेड ऑफ द डिमांड कर्व इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक्सप्लेन विद डायग्राम, इक्विबिलिरियम प्राइस क्या होता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ मार्केट इक्विबिलिरियम, व्हाट इज मेंट बाय शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, इस तरह से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं। उसके बाद है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, कंज्यूमेबल गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स, डेप्रिसिएशन, स्टॉक फ्लो, रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी पर सर्कुलर फ्लो को आपको एक्सप्लेन करना है, ओपन इकोनॉमी पर सर्कुलर फ्लो इनकम को डिस्क्राइब करना है, ये सारे क्वेश्चन देखे। उसके बाद राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 नंबर का भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करें, डिफरेंस बिटवीन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसको देखे अच्छे से। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल काउंटिंग, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, राइट द रीजन ऑफ स्लो ग्रोथ इन नेशनल इनकम इन इंडिया, करेंसी एंड बैंकिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से करें। व्हाट इज बार्टर सिस्टम, एक्सप्लेन शॉर्टकमिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
डिस्कस द डिसएडवांटेज ऑफ मनी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्टेड किए गए सारे ही क्वेश्चंस आप अच्छे से कर ले, हर यूनिट में अच्छे खासे आप स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर 16 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से तैयार कर ले, क्योंकि कोई ना कोई सेट पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंडियन इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट बजट के बारे में देख लेते हैं। बजट के ज़्यादा क्वेश्चंस को आपको कवर करने हैं। व्हाट इज़ अ बजट, फीचर ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट, उसके बाद प्रोसेस ऑफ बजट प्रिपरेशन, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बजट, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ बजट, राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बजट डिफ्लेक्ट के बारे में बताना है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बताना है, टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताने। तो इतने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट पर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।